नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश रोजाना के मंच पर। मेरा नाम भूमिका है। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा और सटीक जानकारियाँ राजनीति के रंगमंच से। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि चुनावी नतीजे बस आने ही वाले हैं। राजनीति के इस तख्ते में कब पलटेगा दांव, ये तो कोई नहीं जानता। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर ने सभी की धड़कनें बढ़ा रखी है और बस देखना बाकी यही है कि राजगद्दी का ताज आखिर किसके सिर सजता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नतीजों की पूरी तस्वीर। बने रहिए देश रोजाना के साथ, जहां राजनीति की हर हलचल का हम करेंगे खुलासा। शुरुआत करते हैं आज की खास सुर्खियों के साथ। हमास की बर्बरता और इसराइल का बदला, एक साल की जंग ने छेड़ी तबाही का मंजर। हरियाणा में कांग्रेस का गैर जाट गुगली, कमल की मुरझाने की कहानी और जाटलैंड की सियासी उठापटक। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी की शानदार जीत, बलदेव राज शर्मा ने निर्दलीय को दिया जोरदार मात। ब्रिजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान, पहलवानों को नायक नहीं खलनायक करार दिया। सावरिया के सेट पर भंसाली का भावनात्मक पल, रणबीर कपूर की अदाकारी ने दिया रुला। इसराइल हमास संघर्ष का साल, लाखों बेघर हजारों परिवार बर्बाद, क्या होगा आगे। हरियाणा चुनाव में सैनी की जीत का रहस्य, बीजेपी के सीएम बदलने का फॉर्मूला साबित हुआ सफल। गोहाना का जलेबा, हरियाणा चुनावों में ट्रेंडिंग का नया सितारा क्यों बना चर्चा का विषय। महबूबा मुफ्ती की पुकार, जम्मू कश्मीर को चाहिए स्थिर सरकार, जनता का आभार। केजरीवाल का चुनावी चेतावनी, हरियाणा में आत्मविश्वास से ना हो कोई गलती, ध्यान से ले चुनाव को। अब रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। हरियाणा में भाजपा का शानदार उलटफेर, एग्जिट पोल के बावजूद जीत की हैट्रिक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार एक बड़ा उलटफेर करते हुए सभी को चौंका दिया। शुरुआती रुझानों में भाजपा पूरी तरह पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब वो बहुमत की ओर बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं कि चुनाव में हुआ क्या। चुनाव की मतगणना के ताज़ा रुझान बताते हैं कि दो दिन पहले के एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बहुमत का दावेदार दिखाया था। शुरुआती रुझानों में भाजपा केवल 20 से 22 सीटों पर सीमित होती नजर आई, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न मनाने की लहर थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रुझानों में कांग्रेस की सीटें घटती गईं, भाजपा की सीटें तेजी से बढ़ने लगीं। दोपहर 2 बजे तक भाजपा 50 से अधिक सीटों पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस केवल 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब जाने कि भाजपा की इस अप्रत्याशित सफलता के पीछे आखिर जो कारण रहे, वो कारण क्या रहे। पहला कारण है बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा। तो कांग्रेस ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया, लेकिन भाजपा ने इसे अपने फायदे के लिए बनाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी का समाधान खर्ची पर्ची के जरिए होता था, जबकि भाजपा ने इसे खत्म कर दिया। दूसरा कारण है कांग्रेस की गुटबाजी। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा के बीच की खींचतान ने पार्टी की एकता को कमजोर कर दिया, जिससे चुनाव में उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। तीसरा कारण है किसानों की नाराजगी का समाधान। चुनाव से पहले भाजपा ने 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू करने का ऐलान किया, जिससे किसानों में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा। चौथा कारण है अग्निवीर योजना। कांग्रेस ने भाजपा को इस योजना को लेकर घेरा, लेकिन भाजपा ने सुनिश्चित किया कि 4 साल बाद अग्निवीर सैनिकों को नौकरी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद नौकरी की गारंटी दी। और पांचवा कारण है वोट काटू दलों की भूमिका। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला था, लेकिन इनेलो, हलोपा, आप और JJP जैसे दलों ने मतदान को प्रभावित किया। और अंत में प्रधानमंत्री मोदी का जादू, उन्होंने पलवल, हिसार और गोहाना में रैलियों के जरिए वोट बैंक को अपने पक्ष में किया। और इन सभी कारणों ने मिलकर भाजपा को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने का रास्ता दिखाया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन भाजपा की इस जीत की कहानी सबको चौंका रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी जीत हासिल की। मामन खान को कुल 1,30,497 वोट मिले, जबकि उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 98,441 वोटों के अंतर से हराया।
भाजपा के नसीम अहमद को मात्र 32,056 वोट मिले, जो इस मुकाबले में उनकी स्थिति को कमज़ोर दर्शाता है। और इनेलो के मोहम्मद हबीब को 15,638 वोट मिले, जबकि जननायक जनता पार्टी के जान मोहम्मद को केवल 720 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के वसीम जाफर को भी सिर्फ 234 वोट मिले। और इस सीट पर नोटा नन ऑफ द अबव को भी 439 वोट मिले, जो कि चुनाव में मतदाताओं की असंतोष को भी दर्शा रहा है। इसके अलावा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ी बढ़त बनाई है। हुड्डा को 52,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त मिली और यहाँ 17 राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी तक 10 राउंड की काउंटिंग में ही उनकी लीड स्पष्ट है। तीसरे नंबर पर इनेलो के कृष्णन हैं, जिन्हें केवल 820 वोट मिले हैं। नू सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आफताब अहमद भी 46,871 वोटों के मार्जिन से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत की संभावनाएं जो हम देख पा रहे हैं मजबूत नजर आ रही हैं, जो कि पार्टी की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। हरियाणा के मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस का क्लीन स्वीप, आफताब अहमद की बड़ी जीत। हरियाणा के मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप किया। नू फिरोजपुर झिरका पुनहाना में कांग्रेस उम्मीदवार बड़े मतों से आगे चल रहे हैं। नू सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आफताब अहमद ने 91,833 वोट प्राप्त करके 46,963 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने इनेलो के ताहिर हुसैन को 44,870 वोटों से हराया। इस सीट पर भाजपा के संजय सिंह केवल 15,902 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। पुनहाना सीट से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास ने 15 राउंड की गिनती के बाद 31,916 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार रहीश खान को 53,384 वोट मिले, जबकि भाजपा के मोहम्मद एजाज खान को केवल 5,072 वोट मिले। फिरोजपुर झिरका सीट पर कांग्रेस के मामन खान ने 98,441 वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा नेता नसीम अहमद को 1,30,447 वोटों के मुकाबले हराया। इनेलो के मोहम्मद हबीब को इस सीट पर 15,638 वोट मिले। वर्तमान में हरियाणा में कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है और 29 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की, 43 सीटों पर आगे है इनेलो 2 सीटों पर, बसपा 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन ने उसकी स्थिति को और मजबूत किया, विशेषकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। विनेश फोगाट की जीत पर ब्रिजभूषण का बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाते हुए 90 सीटों में से 50 सीटों पर बढ़त बना ली। हालांकि कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर भी आज सामने आई है कि पार्टी की स्टार कैंडिडेट विनेश फोगाट ने जुलाना से भारी मतों से जीत हासिल की। विनेश की जीत ने कुछ लोगों को हैरान किया। इस लिस्ट में बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम भी शामिल है। उन्होंने आज की खास बातचीत में विनेश की जीत पर चुप्पी तोड़ी। ब्रिजभूषण ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में किसान आंदोलन और पहलवानों के नाम पर लोगों को भ्रमित किया गया, ये बताता है कि जो पहलवान जीते हैं वो नायक नहीं खलनायक हैं। उन्होंने आगे कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि वो जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश हो गया, उन्होंने तो जीतना ही था। विनेश फोगाट पर निशाना साधते हुए ब्रिजभूषण ने कहा कि वो यहाँ रेसलिंग में भी बेईमानी करके जीत जाती थी और अब चुनाव में भी जीत गई, लेकिन उनकी जीत के कारण कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हो गया। गौरतलब है कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस के टिकट पर जुलाना से चुनाव लड़ते हुए 6,015 वोटों से जीत दर्ज की, जहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार योगेश कुमार को मात दी और ये जीत कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण है। लेकिन ब्रिजभूषण के बयान से स्पष्ट है कि राजनीतिक घमासान अभी थमने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थे आज की खास खबरें, आज का बुलेटिन। और कहना पड़ेगा यहाँ पे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने राजनीतिक पटल पर हलचल मचा दी है। बीजेपी ने एक बार फिर अपनी ताकत साबित की, जबकि कांग्रेस ने भी अपनी कुछ सीटों पर उम्मीद जताई है। विनेश फोगाट की जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी, लेकिन बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक जंग और भी ज़्यादा तेज होने वाली है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी या बीजेपी का दबदबा जारी रहेगा।
हरियाणा की राजनीति में उठापटक अभी खत्म नहीं हुई और आगे क्या होगा देखने के लिए सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, जानिए हरियाणा की राजनीति का हर नया मोड़। इसी के साथ लेती हूँ विदा, देखते रहिए देश रोजाना, बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।